नमस्कार, मैं डॉक्टर मुन्ना कुमार पांडे हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग में कोर्स फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस MOOCs प्रोजेक्ट से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय के BCom के छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया कोर्स है। इस पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा एवं साहित्य की आधारभूत जानकारी समाहित है। इसमें विविध भाषिक प्रयोगों की समझ और छात्रों की संप्रेषण क्षमता का विकास भी शामिल है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रतिनिधि हिंदी कवियों गद्यकारों की चुनी हुई रचनाओं पर विश्लेषण परक पाठ्य सामग्री तैयार की जाएगी। मूलतः दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के लगभग 50,000 विद्यार्थियों के लिए निर्मित यह पाठ्यक्रम न केवल इस कोर्स के विद्यार्थियों बल्कि अन्य विषयों के छात्रों को भी हिंदी भाषा के विविध पक्षों एवं प्रयोगों की महत्वपूर्ण जानकारी देगा। इससे उनकी भाषिक अभिव्यक्ति और संप्रेषण क्षमता का विकास होगा। इस पाठ्यक्रम में हिंदी के प्रतिनिधि कवियों तथा महत्वपूर्ण गद्यकारों की चुनी हुई रचनाओं का विवेचनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों में हिंदी भाषा एवं साहित्य की सामान्य समझ विकसित हो सकेगी। साथ ही इस पाठ्यक्रम के साथ हिंदी भाषा की क्रमिक विकास यात्रा को समझते हुए विद्यार्थियों को हिंदी के अधुनातन रूपों और प्रयोगों से अवगत कराया जाएगा। आज का दौर सूचना और तकनीक माध्यमों का है, इसमें कंप्यूटर की केंद्रीय भूमिका है। कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश एक महत्वपूर्ण परिघटना और वर्तमान समय की जरूरत है। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को हिंदी के विविध प्रयोगों से अवगत कराते हुए उनके कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा तथा छात्रों को हिंदी में व्यावसायिक और सृजनात्मक लेखन में भी दक्ष बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम न सिर्फ विद्यार्थियों के लेखन कौशल और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करेगा अपितु उन्हें मौलिक चिंतन के लिए भी प्रेरित करेगा। साथ ही यह भाषा और साहित्य के माध्यम से भारत की समेटिक संस्कृति के प्रति संवेदनशील और रोजगार उन्मुखी बनाएगा। निष्कर्षतः हिंदी भाषा एवं साहित्य का यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम छात्रों को अधिक जागरूक, चिंतनशील और आत्मनिर्भर नागरिक बनाने में सहायक होगा। इस परियोजना में अन्य सहयोगी फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों के सुझावों का हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद।